नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। असम में 23 जिले बाढ़ की चपेट में, 10 लाख लोग प्रभावित, बिहार में भी अलर्ट। जितेंद्र अहवाड ने कहा कि विदेश मंत्री के बेटे के संगठन ने लिया चीन से डोनेशन। दिल्ली और चीन में बराबर कोरोना केस, 27,000 से ज्यादा एक्टिव मामलों में चिंता। बिहार में तेज प्रताप ने किया भाई तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी का ऐलान। हार्वर्ड के डॉक्टर आशीष बोले कि कोरोना में रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन ही प्रभावी। तीरंदाज दीपिका कुमारी की शादी की रस्में शुरू, कर लेंगी 7 फेरे। सलमान के गाने पर कोरियन बैंड BTS का डांस, अनुराग कश्यप बोले ये मस्त है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे और डीजल की कीमतों में 13 पैसे का इजाफा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक 5 लाख से ज्यादा हुई है मौतें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। ईस्ट मिदनापुर में BJP नेता पर फायरिंग, TMC नेताओं पर लगाया गया आरोप। सांसद शशि थरूर ने विदेश मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, ईरान में फंसे 26 भारतीयों को लाने की मांग। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। कंगना रनावत की देशवासियों से अपील, कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट का करे बहिष्कार। सुशांत केस में CBI जांच की मांग तेज, शेखर सुमन करेंगे CM नीतीश से मुलाकात। बढ़े बिजली बिल से नाराज नेडुका, कहा कि 5,510 का बिल 18,080 रुपए कैसे। इंग्लैंड रवाना हुई पाक टीम, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ध्यान। वकार यूनिस बोले 1992 WC से बाहर रहना मेरे करियर का सबसे दुखद पल। CM नीतीश कुमार ने पटना में पुल बनाने का टेंडर कैंसिल किया, प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर के पार्टनर चीन के थे। लॉकडाउन के कारण 148 साल में पहली बार राजधानी बदलने का समय बदला। महाराष्ट्र की अकोला जेल में 300 कैदियों में से 68 कैदी कोरोना पॉजिटिव, जेल में ही किए गए आइसोलेट। मध्य प्रदेश पन्ना टाइगर रिजर्व की प्रमुख बाघिन रानी की मौत। मध्य प्रदेश के CM शिवराज हुए दिल्ली के लिए रवाना, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए होगी बातचीत। चीनी निवेश वाली कंपनी Zomato के कुछ कर्मचारियों ने छोड़ी नौकरी, टी शर्ट भी जलाई। चीन विवाद पर अमित शाह को राहुल को जवाब, कहा जब देश के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हो तो उस समय चीन और पाकिस्तान खुश हो, तो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए।